देखिए क्या करें कि यूनिट ट्रायंगल एबीसी, इफ एंगल सी 60 डिग्री, ए इक्वल टू 47, बी इक्वल टू 94 सेंटीमीटर, तो सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर कॉस बी कॉस सी सी को लेकर चलते हैं क्योंकि कॉस का ही वैल्यू दिया, तो कॉस 60 डिग्री और कॉस सी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई में 2ab इक्वल टू में इसका वैल्यू 1/2। अब इसके बाद देखिए ए स्क्वायर यानी कि 47 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 94 का स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर बाई में 2a की जगह पे 47 और b की जगह पे 94 इक्वल टू में 1/2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए तो ऊपर आपका देखिए क्या है 47 का स्क्वायर, तो 47 में 47 से इंटू करके देख लो आपका आ जाएगा 2209 ये आएगा, और प्लस 94 का स्क्वायर है लेकिन 94 में मल्टीप्लाई कर दो 94 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 8836 माइनस सी स्क्वायर बाई में इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 47 में 94 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4418 इक्वल टू में 1। ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ अब इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2209 में ऐड कर लेंगे कितना 8836, तो कितना आ जाएगा इसको ऐड करने पे यहाँ 11045 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू में 4418। इसको इधर लेते हैं इसको इधर ले आते हैं तो ये आके इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 11045 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4418 को, तो यहाँ घटा देते हैं तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो घटा देंगे तो हो जाएगा आपका कितना है 4418 है ना जी, घटा देंगे तो आ जाएगा 6627। ये ना होगा सी स्क्वायर का वैल्यू 6627, ठीक है यहाँ पे भर देंगे 6627। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन